अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार बेहद संजीदा है। 16 जनवरी को देश के प्राय सभी हिस्सों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। देश के सभी हिस्सों में वैक्सीन पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के साथ ही मेरठ भी वैक्सीन पहुंच गई है। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरठ में आज 6 और लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो गई है। उत्तर प्रदेश का मेरठ ऐसा पहला जिला है जहां नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज इतनी संख्या में पाए गए हैं। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर इन इलाकों को सील करवा दिया है। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। के अंदर 6 लोगों की रिपोर्ट अवेटेड थी जो पूर्व में नीचे स्ट्रेन वाले गए थे, जो पॉजिटिव पाए गए। सबके सब लोग हॉस्पिटल में पहले से ही भर्ती है। टोटल सर 15 लोग हो गए। इसमें सर बच्चे और बूढ़े कितने हैं आज वाले में? अब वो मैं आपको पूरा डिस्चार्ज कितने हो गए सर? अब डिस्चार्ज सिर्फ 3 हुए। अब तक इस ट्रेन के कितने पेशेंट हो चुके हैं मेरठ में सर? कुल मिला के 15। 1,53,500 डोजेज आएंगे, ये मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल के लिए, और ये 6 जनपद में जाएगी हमारे, और सहारनपुर के 3 जनपद। कौन कौन से जनपद में मैम कितनी कितनी वैक्सीन जा रही है? बागपत में 6,180 डोजेज जाएंगी, और बुलंदशहर में 20,490, गाजियाबाद में 27,410, गौतम बुद्ध नगर में 28,840, मेरठ में 24,530, और हापुड़ में 8,750 डोजेज। 16 तारीख से मैम पूरा वैक्सीनेशन शुरू होना है, किस तरीके से लगी जाएंगी और किन किन लोगों को लगाना शुरू करा जाएगा? पहले तो जो कोविड से डायरेक्टली संबंधित है, जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सबको लगे। और हर सत्र मतलब 16 तारीख को जो है हर सत्र पे 100 लोगों को लगा। मेरठ में 12 सत्र लग रहे हैं, हापुड़ में 4 सत्र लग रहे हैं, बुलंदशहर में 16, गौतमबुद्ध नगर में 8, और 7 लग रहे हैं गाजियाबाद में, और बागपत में 6। मैडम प्रथम चरण में किन को चुना गया है वैक्सीन के लिए? स्वास्थ्य कर्मी सीधे वार्ड में ड्यूटी,